नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम हल्दी का आउटलुक देखेंगे। देखिए, हल्दी की बात करें तो पिछला साल काफी जबरदस्त रहा। हल्दी में हमने एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए देखी, बट कहीं ना कहीं ये फिज आउट होते हुए भी दिखाई दे रही है। पिछले साल अब तक के भाव के हिसाब से देखें तो 7.5% की तेजी देखी। पिछले साल हमने देखा कि प्राइजेस करीबन मोटा मोटी 6,500 से अक्टूबर मंथ से चलना चालू हुआ, और बैड वेदर सोइंग में जो प्रॉब्लम आया था, ऑनगोइंग क्रॉप्स को इंपैक्ट था, डिमांड में इंप्रूवमेंट थी, उसके चलते प्राइजेस 10,800 तक का भी लेवल छूते हुए दिखाई दी। बट सिंस जनवरी की अगर हम बात करें तो अब तक प्राइजेस ने 11% का बड़ी गिरावट दिखा चुकी है और ऑलमोस्ट 8540 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रही है। इन ऑल अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक बड़ी रैली के बाद एक करेक्शन रिक्वायर्ड था, वो हल्दी में आ चुका है। नो डाउट सामने अराइवल सीजन चालू है, जिसके चलते अराइवल प्रेशर भी है। और अगर आप चार्टिकली भी देखें या डेटा वाइज भी देखें तो पिछले एक हफ्ते में 3.25%, एक महीने में 14%, 3 महीने में 2% के आसपास की गिरावट आपने देखी है। टेक्निकली भी देखें तो 5, 10, 20, 50 और 100 मूविंग एवरेज के नीचे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। देखिए, चार्टिकली टेक्निकली अगर हम देखें तो 200 मूविंग एवरेज काफी इंपॉर्टेंट हर्डल रहता है। जब तक प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक मार्केट एक रेंज में रहता है। मींस 200 मूविंग एवरेज का लेवल ब्रीच होता है तो हम बोल सकते हैं मार्केट मंदी में आ गया। तो पूरे हल्दी का जो परफॉर्मेंस है अब 200 मूविंग एवरेज पे टिका हुआ है, जो है 8490। नो डाउट मल्टीपल ऑफ टाइम हमने ये लेवल ब्रीच होते हुए जरूर देखा है, बट वीकली बेस पे अभी भी होल्ड है। तो अनलेस एंड अंटिल 8500 के नीचे क्लोज नहीं देता है वीकली बेस पे, कहीं ना कहीं प्राइस में एक छोटा बाउंस देखने मिल सकता है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन धीरे धीरे बढ़े जरूर है, ओपन इंटरेस्ट में थोड़ा ड्रॉप है जो शॉर्ट कवरिंग का अंदेशा देता है। RSI इस वक्त 32 पे है, जो अट्रैक्टिव लेवल पे है बाइंग करने के लिए। CCI भी नेगेटिव में है, जो अट्रैक्टिव लेवल है थोड़ा बाइंग करने के लिए। MACD भी ओवर एग्जॉस्टेड जोन में है, जो बताता है कि हम बाय कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं 8500 का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, और प्राइसेस अगर 8620 के ऊपर निकलती है तो आई थिंक एक अच्छा खासा रैली अप मिल सकता है, जो 8750 से 8900 तक का एक शॉर्ट टर्म जंप देखने मिल जाएगा। इसी चीज को चार्ट पे देखते हैं तो जैसे कि अभी हमने बताया था कि जनवरी में हमने प्राइजेस को 11,000 के करीब जाते हुए देखा, बट सिंस दैट मार्केट में जबरदस्त गिरावट आते हुए दिखाई दी और प्राइजेस ने इचिमिको क्लाउड के नीचे भी आ गई थी। बट कहीं ना कहीं अब प्राइजेस को 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट और 61.8% का रिट्रेसमेंट सपोर्ट है, जो 8350 के लेवल पे है। आप देख सकते हैं कि पहले जो गिरावट थी वो अब थोड़ी थोड़ी कंसोलिडेट होकर कम होते हुए दिखाई दी है। तो कहीं ना कहीं प्राइजेस में लगता है कि एक छोटा बाउंस आ सकता है, जो क्लाउड के बाहर तो अभी तो जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, बट हाँ 8900 से 8950 का वर्स्ट एक टेक्निकल बाउंस देखने मिल सकता है। देखिए, वॉलिटिलिटी इस वक्त मार्केट में कंटिन्यू बनी रहेगी, नेगेटिव ट्रेंड है वो ओवर एग्जॉस्टेड जोन में है, तो कहीं ना कहीं यहां से रिवर्सल होते हुए दिखाई देगा। वहीं RSI ओवरसोल्ड जोन के करीब है, जो 31.95 के करीब है, जो हमें बताता है कि एक स्ट्रांग रिवर्सल का पैटर्न बन सकता है। तो इन सबको देखते हुए हमें लगता है अगले 2-5 दिन के लिए हल्दी को 8500-8550 के ऊपर लिया जा सकता है, जो कहीं ना कहीं 8800 से 8900 तक का एक स्ट्रॉन्ग जंप दिखा सकता है। वहीं अगर सीजनलिटी की अगर बात करें तो जनरली हम मार्च अप्रैल में देखते हैं कि अराइवल काफी स्ट्रांग होते हैं, जिसके चलते प्राइजेस में दबाव मिलना चाहिए। बट जनवरी में हमने 10,000 से फरवरी में 9,300 और अब 8500 देख चुके हैं, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि अराइवल की चीजें डिस्काउंट हो गई है। तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल से एक बार टेम्पररी बाइंग रहेगी, बट महीने भर की अगर हम बात करें तो 85 से 9,000 का जो दायरा है, इसी दायरे में हल्दी ट्रेड करेगी। तो टाइमिंग 8550 के ऊपर लेके चलिए, 8900 तक का एक पुलबैक देखने मिल सकता है। बट लॉन्ग टर्म के लिए हल्दी पूरे मसालों में सबसे जबरदस्त तेजी दिखा सकती है, जो 12,000 का भी लेवल अगस्त तक दिखा दे, बट टाइमिंग 8.5 से 9,000 का जो दायरा है, इसी दायरे में ट्रेड करेगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।